लोगों ने हमको घूम घूम मारा पीटा, कहा मेरे खिलाफ ये ना लड़ोगे तो जान से मरवा दूंगा। झगड़ा हो गई बाद में आए तो यहाँ लड़ाई हो रही सब लोगों का, उनको छुटवाया तो नाम आ गया सब। मेरे घर पे चढ़ाई कर कर सबको मरवाया है, हमारे भी हमारे हाथ में ये चोट लगी, ये सब इनके हाथ में चोट लगी। आप दिखाइए सर, मेरा ये सर जो है माउथ मार के जा के सर जो है जस्ती कर रहे हैं कि ये पाठक की जमीन है, कि जो आबादी का है तीन पीढ़ी से ये कब्जा है, तीन पीढ़ी से सर। आज सुबह की घटना है, सीसीटीवी लगा हुआ, सुबह से 8 बजे स्कूल जा रहे थे, इनके कुत्ते ने काट रखा, इनके ने विपक्षी के, विपक्षी आपके पत्र के बाद जो अपराधी कुछ थे उनसे रिलीफ मिला, हमारी फोन छोड़े सर। बताइए सर, इस पे कहना कि 6 तारीख को मैं तहसील गया था, तहसील दिवस उसमें जो है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए गया था, ATM साहब ने बुलाया था, तो वहाँ पर गया तो इसे ये लोगों ने हमको घूम घूम मारा पीटा, कहा मेरे खिलाफ ये ना लड़ोगे तो जान से मरवा दूंगा। फिर उसके बाद तुरंत मैं थाने गया, पिटीशन दिया, तो सर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वो लोगों ने फिर घूम घूम कर हमको मारा पीटा, फिर गाली दिया कि मेरे खिलाफ आप चुनाव लड़ोगे तो मैं आपको जान से मरवा दूँगा, कटवा के फेंकवा दूँगा, गवाह भी नहीं दे पाओगे। और सर मारा पीटा सर पर सर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर 6 तारीख से आज तक। SSP साहब के पास जी नहीं सर, गए नहीं आपके पास सर आए, और कोई सुनवाई नहीं हुई सर 6 तारीख से। दरोगा जी छुट्टी पे थे, 9 तारीख को आए, आज तक करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं है सर। मारा पीटा सर अलग से चुनाव FIR कराते ना लड़ने के लिए कह रहा सर, कह रहा चुनाव मतलब लड़िए आप चुनाव लड़िए चुनाव ठीक से। बताइए सर, पढ़ने लिखे सारी मारपीट हो सब गांव में, तो हमारी फसल कट कर हमारे तुम झगड़ा हो रहा था, उनको छुपवाने के लिए हम भी नहीं थे हमारे ऊपर, तब कार्रवाई कर दी गई। आप जब ये झगड़ा हुआ तो आप कहाँ थे उस समय? हम खेत में थे सर, फसल कट रही थी तो वहाँ कटवा रहे थे, जब झगड़ा हो गई बाद में आए तो यहाँ लड़ाई हो रही सब लोगों का, तो उनको छुटवाया तो नाम आ गया सब। ये तो आपने भाग लिया उसमें लड़ाई में? नहीं भाग नहीं लिया। नहीं लिया, लिख दिया इसमें, स्टूडेंट का भविष्य खराब ना करें, ठीक है, लिख जाएगा निकल जाएगा ठीक है। अगर आपका लेकिन कोई वीडियो वगैरह लड़ाई वड़ाई करते हुए होगा तो फिर नहीं बचा पाए, ठीक है। बताइए क्या हुआ सर? मैं पूजा करने जा रही थी, जो पीछे से पकड़ कर हाथ पकड़ के खींच रहा था, और ये तो कहता है कि रुको अभी तुमसे निपट रहा हूँ, फिर पापा बुलाए ने कि सही है कि झूठ, तो सबको बुला कर मेरे घर पे चढ़ाई कर कर सबको मरवाया है। तो गए नहीं थाने? नहीं गया, गए थे भाई जो सिर्फ फी फाड़ दिया हमको बिना। FIR दर्ज हो गई आपकी? नहीं किए, कोरे कागज में लिखवा लिए थे पहले। आप लोगों के खिलाफ तो नहीं होगी कोई FIR? नहीं। आपके खिलाफ भी हुई है कोई? नहीं। और धमकी देकर जाते हैं वो लोग। आपकी सिरकार आपकी मार देंगे सर, देख लीजिए जय फोटो दिखा दो, ये लगाना जरा हुसैनगंज थाने को, ये देखिए मेरा घर दूसरा वाला गिरा दिया इसने, यही है देखो, डिब्बा भी फाड़ दिया। कौन सा डिब्बा? ये ड्रम, ड्रम बाल्टी पानी तसला भी फोड़ दिया। गुंडा कर दे साहब, कोई सुनवाई नहीं, और थाने में जाकर कहते हैं बस हाँ मारा तो है, अधिकारी के सामने कह दे थे तो कहा, अच्छा शासन का कोई बाहर नहीं आप सुनते, और हमको डरते हैं कि तुम चुप रहो। आपने लिखा इसमें क्या लिखा? बहुत लड़कियों के छेड़ता। अच्छा पहले जेल गया है किसी मामले में? नहीं।
पंजाबी नहीं, कुछ नहीं। पैसे दे आता है, पैसे दे देता है। इनमें जितने भी नाम लिखाए हैं आपने, जी यहाँ है घर में आकर, ये पहले भी जेल गए हैं कभी? नहीं गए हैं, ये कहाँ गए हैं? मेरी चैन भी खींच लिया घर से आप दो आदमी चांदी। तो कप्तान साहब के यहाँ नहीं गए फिर आप? एसपी फतेहपुर के यहाँ तो वहाँ जाना चाहिए था ना, इतनी दूर आए हुआ इलाज के वही में यही पर। सर भाई बेहोश पड़ा था ना अस्पताल में, अस्पताल में यहीं पर है? नहीं आए हैं। अस्पताल में कहाँ पर है ये? ये अस्पताल की फोटो है सर। कौन सी अस्पताल में है ये? सदर अस्पताल फतेहपुर। कहाँ की सदर? फतेहपुर की। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कप्तान साहब बैठते उनके पास क्यों नहीं गए? अरे ये शासन के उसमें फंसे रहे की तरह इलाज करा लो और हम देख लेंगे, वही चक्कर में फंस गए। बैठ जाओ थोड़ी देर, बात कर रहे हैं अभी उससे। हेलो जय सर। जैन, ये यहाँ पर एक लड़की आई है, इसके परिवार के लोग आए हुए हैं, ये फ़ोटो दिखा रही है, इनके साथ मारपीट हुई 18/9/2022 में दिन में 12 बजे। ये कहते हैं इनका पड़ोसी आशिक मिजाज व्यक्ति है, लड़कियों को छेड़ता, इसे भी छेड़ रहा था, उसी के ऊपर झगड़ा हो गया, फिर मारा पीटा, थाने में खुद आके बता रहे। हमका आदमी कहता कि हाँ मारा तो है, तो कर लो क्या करें। ये चंदेलन का पुरवा सर। सर इनका विवाह सर दीवाल का है सर, पानी निकलने के छत के पानी निकलने दोनों तरफ मुकदमा लिखा गया सर, क्रास मारपीट हुई थी। हाँ तो ये इनको तो पता ही नहीं है, तो कह रही है हमारी FIR लिखा, इनको दिया नहीं FIR की चिक दीजिए इनको। है सर, सब है सर, मेडिकल हुआ है इनके दोनों तरफ मुकदमा है सर। हाँ कर, तो आगे भी कार्रवाई कीजिए उसके बाद। ठीक सर, सर सर ठीक सर ठीक। और देखिए इसका अपडेट बताइएगा, ये तो कह रहे हैं इन्होंने तो FIR का नंबर तक नहीं बता पा रहे। नहीं नहीं है सर, दोनों तरफ मुकदमा। ठीक जी, कहाँ है ये लोग बता दो, उसका FIR कहाँ है, मैं उसके FIR की चिक पता करके देंगे इनको। यह प्रार्थना पत्र किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, उसको लाया गया, छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद SSP साहब को दिया गया, उसमें NCR का आदेश हुआ है साहब। SC ST मामले में तो FIR का आदेश होता है साहब, लेकिन साहब पीछे काफ़ी लगी आदेश मेडिकल तक नहीं कराया गया। NCR क्या लिख गई? नहीं सर, NCR नहीं लिखी गई, आदेश कल हुआ तो आज निकाल के मैं आपके पास समझ लाया सर, इसमें FIR खुलता है ना सर। सर इनका अफेंस क्या है? गाली गलौज मारपीट जान से मारने की धमकी, ऐसा कोई अफेंस नहीं हमारा भी जो गलत मतलब तरीके से लगाया जाए। हमारे भी हमारे हाथ में ये चोट लगी, ये सर इनकी हाथ में चोट लगी, आप दिखाइए सर, ये सर जो है बहुत मार, किसने मारा? वही भी बच्ची, वही भी बच्ची मारा, आगे बराबर बार बार धमकी दे रहे हैं, बार बार हमको धमकी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहा है, जान से मार देंगे सर। FIR के लिए CO मौके पे जाएंगे, FIR लिखाएंगे, अगर नहीं तो अपनी रिपोर्ट देंगे, दोनों में से एक बात होगी, जब मेरे पास रिपोर्ट आएगी तब मैं फाइनल दूंगा। CO से मिलोगे तब तक? CO से मिलिए तब तक, CO या SP से। ठीक है, मैंने सर सब चौकी इंचार्ज नहीं इतना परेशान हो चुकी हूँ यहाँ तक आना। कौन सा थाना ये, इसका कौन सी एप्लीकेशन है ये? है सर, जमीन को जाके खड़े होके वो वीडियो कॉल, ये जाके जबरदस्ती करते हैं सर। अच्छा। चौकी अब कम से कम हम 20 फोन किए होंगे, वो नहीं उठाए। फिर एक बार हमने कप्तान साहब से शिकायत किया सर, वो लगता है टाइट उठ के आपने फोन ऐसे। अच्छा। बोले थे कि बोलो, तो मैंने शिकायत किया, उस पर कह रहे देखते हैं क्या कर लेते हैं, हमको जो चाहेगा वो करेंगे। चौके इंचार्ज खुले दम पैसा लेना किसी के जमीन का, मौके पे जाके सर जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये पाठक की जमीन है, कि जो आबादी का है 3 पीढ़ी से ये कब्जा है। अच्छा। 3 पीढ़ी से सर किसका कब्जा करा रहे हैं वो एक पाठक के करा रहे हैं। शादी भी है सर, बेटी की 10-10 पुलिस ले जाके इनको चहेड़ रही है, शादी के रही कब किया? अभी एक
लगभग सर एक हफ्ता 12 तारीख सर मुकदमा के 13 तारीख के चार्ज पैसा लेके एकदम अटवाल सर गलत सर मेरा भाई नौकरी पर था वो ड्यूटी पर उसका भी नाम वो ड्यूटी पे है ड्यूटी सर अभी आज बन के सीतापुर जाएंगे उनका ऐसा ही ट्रेनिंग वही चल रहा है उनका भी मुकदमा सर अभी बोल नहीं पा रहे सीधे सर चौक के इंचार्ज सर हम रहे तो सर एकदम पूरा पूरा हमारा विधानसभा जो उनसे डिस्टर्ब हो गया अच्छा पहले मैंने सर कप्तान साहब से कहा ये सीओ से बात करा इनकी सराय बंदे चौके जब ड्यूटी के बजाय के सर वहाँ व्यक्तियाँ निभा रहे रिश्ता एकदम व्यक्तियाँ अरे आप न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है सर न्यायालय वही मुकदमा हाँ वही किया जी सर वही मुकदमा किए एसडीएम आदेश करें आप जाइए मौके पर न्यायालय आप जबरदस्ती घिया नहीं बनाना यहाँ बनाए ये बनाएंगे वो बनाएंगे आप कौन होते हैं ये करने वाले लेखपाल से हाँ हमने लेखपाल जी हमारे अभी मैंने सुबह बात किया सर मैंने सुबह बात किया लेखपाल जी से सरोज जी वो कहे कि एकदम जबरदस्ती हो रहा है विधायक जी हमको भी दबाव डाला जा रहा था कि ऐसे लिखो अच्छा हाँ हुआ जब ज़्यादा परेशान होती हूँ सर तब आपके पास गेहूँ कोई बात लेके आती हूँ इतना डिस्टर्ब कर दिए ये दोनों लोग ये जांच आप अपने स्तर से करवा रहे हैं सीओ से करा रहे हैं जी जी इसीलिए अभी सीओ को बता रहे हैं बता देने अगर आपकी बात सत्य होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम तो सर कभी गलत बताएंगे नहीं सर जितना सही जाएंगे सर बात करेंगे हेलो हाँ जैन सर सुहेल बोल रहा हूँ सर अजय ये देखिएगा एक मामले को खुद देखना जरा इस पे मौके पे जाइएगा आवाज आ रही है मेरी नहीं हेलो आवाज आ रही है नहीं हाँ आवाज नहीं आ रही है सर प्राइवेट से और भी है कोई दो एप्लीकेशन नहीं सर बस दो ही है सर आ फोन मिला है सर सरायबंदी चौकी चौक को मैंने आज चार दिन पहले मैंने 20 फोन एक बार हेलो के फिर मैंने सर आपने कप्तान साहब को बताया मैंने कहा फोन में बात भी नहीं अजब फोन मिला थे काट दे बात ही नहीं कर अब छोटा मोटा काम सर आप तक आए ये तो वो नहीं है फिर मैंने कहा कि क्या आप कभी ये जो एसएसपी की मीटिंग होती है जनप्रतिनिधियों की उसमें जाते हो नहीं जहाँ जाते हैं तो उसमें नोट कराया करो ये बातें मैंने नोट कराया तभी तो वो एक बार डांटे सराय मेरे से कि आप कैसे बात करते हो ऐसे किया जाता तो लगता है वो कह रहे थे विधायक तुम मेरी शिकायत कर रहे थे मैं क्यों करूँगा उधर बिठा लेना हम क्यों करेंगे उनके नहीं करेंगे जो करना चाहे कर ले आप बताइए ये तो एकदम सर हेलो हेलो जैन सर जैन ये एक मामले की जांच आप खुद कीजिए एक तो सराय ममरेज का आपने इस बार का आकस्मिक कोई निरीक्षण किया नहीं किया इस महीने अभी आकस्मिक निरीक्षण नहीं किया सर एक हर महीने में कम से कम दो आकस्मिक निरीक्षण करोगे हटाने के ध्यान रखिए एक दिन में एक रात में सर मैं चेक करूंगा वहाँ के जिस दिन भी आऊंगा उधर सर सर सराय ममरेज का आज ही करोगे या कल तक कर लोगे कंप्लीट अभी तो हाई कोर्ट जा रहा हूँ सर तो रात में करोगे कल ठीक सर ये सराय ममरेज का एक मामला यहाँ से देख के जाइएगा स्टाफ अफसर समझा देंगे माननीय विधायक जी आई हुई हैं इनका कहना कि एसओ एक तो इनका फोन नहीं उठाता पहला बिंदु है जांच का समझे ये पहला बिंदु दूसरा वहाँ पर कोई आदमी पहले से ही काबिज है जिसका नाम एक जंगई बाजार का जो चौकी इंचार्ज है और एसओ ये मिलके वहाँ कब्जा करा रहे हैं दूसरे व्यक्ति का जब तक कोई न्यायालय का आदेश ना हो अगर पुराना कब्जा है तो उसको डिस्टर्ब ना करें और ये देख के इन दोनों पे जांच रिपोर्ट मुझे दोगे ठीक दोनों का जब आ जाएगा और बताइए चलिए चलिए थैंक यू अच्छा सर अच्छा ये सेना के रिटायर्ड कौन है
रंजीत रहा है। हाँ बताइए, बैठिए। आए थे आपसे मिले थे, हमें हमारे भाई के साथ मारपीट किए थे। अच्छा, जिसकी उन्होंने ही सीसीटीवी 4 लगा रखी है, जिसकी रिकॉर्डिंग देखने के बाद 2 तारीख की घटना की जांच करने के बाद ये एफआईआर किसने लिखाई है? हमने, वो छोटे भाई है। ठीक है, दूसरा पक्ष क्या कहना आया है यहाँ पर? उनका कहना है कि आपने लिख के यहाँ से दिया, 2 दिन सीओ साहब बुलाए थे, वो कह रहे हैं क्रिमिनल हिस्ट्री हमारी। आप साहब, हम आए थे आपके पास, तो कोई है क्रिमिनल हिस्ट्री? हाँ साहब, कोतवाली में जो मारपीट हुई थी, आपने जांच के आदेश दिए थे, आपने मुकदमा खत्म करने के भी आदेश दिए थे। ठीक है, तो वो तो खत्म हो गया, अब क्या है? नहीं हुआ साहब, आपके आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की प्रतापगढ़ पुलिस ने। मैं कोर्ट फेस किया, कोर्ट ने हमको 22 जनवरी कर दिया। चलिए, मेरा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रह गया साहब। ठीक है, जो घटना करता है गलत करता है साहब, वो सजा का पात्र है। अब जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज वुटेज सब कुछ लगी हुई है, उसके बावजूद भी उन्हें सजा न दे करके पुलिस हमारे अगेंस्ट है ऑलरेडी, आपको भी पता है साहब। पुलिस हमारा कभी अभी तक ना इसमें, ये देखिए साहब, उसमें एस सी एस टी में हम कोर्ट से 22 जनवरी हो गए साहब, क्रिमिनल हिस्ट्री खत्म हो गई साहब। ये कौन सा एस सी एस टी है? जो 300 साहब जो लिखा गया था कोतवाली में, आपके पास हम कई बार आए थे साहब, आपसे कई बार मिले थे। तुम्हारी जांच वहाँ से भी तो हुई, कौशाम्बी से कहाँ से हुई? कौशाम्बी से भी हुई। क्या हुआ उसमें? उसमें आपके थ्रू लिखा गया, फिर से डीजीपी साहब ने आपको लिखा। जब मैं डीजीपी साहब के पास गया था जतिन जी मंत्री के साथ, तो वहाँ दिखाया गया, आपने लिखा था कि ये न्यायालय से संतोष प्राप्त कर। मुझे बहुत रोना आया, साहब ने हमको कहा 4 दिन के अंदर मुकदमा खत्म हो जाएगा, और यहाँ लिख के ये आया हुआ कि न्यायालय संतोष प्राप्त करे। मैं बहुत रोया था डीजीपी साहब साहब। फिर उस दिन के बाद आपके पास आया मैं 2-3 बार मिलने के लिए, डीजीपी साहब सब नहीं मिले थे। आज ये घटना है, और सुबह की घटना, 2 बार मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट रखा है। सीसी कोई साहब, पुलिस इतनी अगेंस्ट है मेरे, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। आज सुबह की घटना है, सीसीटीवी लगा हुआ, सुबह से 8 बजे स्कूल जा रहे थे, इनके कुत्ते ने काट रखा। इनके ने विपक्षी के, विपक्षी के, तो इसमें एफआईआर लिखाई नहीं, कौन सुनेगा? ये सीओ साहब बुलाते हैं जो नए वाले आए हुए, अब है पाड़े चले गए। सीएसपी साहब ने कहा सेक्शन 7 सब के खिलाफ करेंगे, ये सारे गुनाहगार हैं, मारा पीटा है कोतवाली में, मुकदमा तो मेरा खत्म हो गया कोर्ट से, तुम्हें 22 जनवरी हो गया, इन्हें कब सजा मिलेगी? कुछ नहीं होना साहब। और आपके यहाँ का आदेश की कॉपी दिखाते हैं, बोला साहब ने बोला एफआईआर लगा दो, ऐसे लिखते हैं एफआईआर लगा दो। मैंने बोला आज तक तो मैं गया इतनी बार मिला साहब ने, साहब ने इतना बोला कि झूठा है मुकदमा, इसको खत्म कर दो, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। बोले भाई साहब का आदेश है, तो मैं बोला साहब सीओ साहब के यहाँ रोज बेसी काटने से अच्छा आपके उससे मिलूं साहब। तो ये एक मदद है साहब, किसी दरोगा को, दरोगा 200 मीटर चौकी इंचार्ज है, वो भेज दीजिए, अगर घटना झूठी है तुरंत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। ये लो, एक तो यहीं पर बुला लेना इस पुराने मामले में जो है ना, जिसमें इनका दोनों पक्षों का वो बता रहा है कि एफआईआर लगा दो, ये कर दो आईओ को और पार्टियों को। दूसरा, इसमें इनके बच्चे के जो कुत्ते ने काटा उसे कही एफआईआर लिखे उसकी, सीसीटीवी में देखते ही अगर लग रहा कि उसके कुत्ते ने काटा तो एफआईआर। ठीक है, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। चलो, आपके पत्र के बाद जो अपराधी कुछ थे उसे रिलीफ मिला, हमारी फोन छोड़े सर, ये आपका आदेश था सरकार, इस आदेश पर जब उन लोगों को पता चला तो उन लोगों ने मेरी फोन को छोड़ा, ये था उस समय का अभियुक्त। इस पर आपने गैंगस्टर, इन इस तरह से 10-15 लोग हैं और सब पर मुकदमे हैं, तो आपने गैंगस्टर के लिए लिखा था साहब, 307 में बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट लगी थी, उस पर प्रारंभिक जांच के लिए लिखा था, और उसके बाद सीओ साहब और एसडीएम साहब मौके पर जाकर, लेकिन इस चिट्ठी के प्रभाव से आपके सर उस आदमी ने ये छोड़ दिया मेरा। लेकिन जो अगला पक्षा ये लोग हैं सर, 10-15 लोग, ये लोग कब्जा करते जा रहे हैं, मेरा पहले रास्ता बंद किए थे, ये लेखपाल और तहसीलदार का ये दरख्वास्त है सरकार, ये रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने चकमार पर मकान बनाकर हम लोग रास्ता बाधित कर दिए, हम लोग अपने ज़मीन में से बगल में से रास्ता बनाए, उस पर जाल रख दिए, उसका फोटो है, वीडियो है। और सरकार 27 तारीख को इन्होंने मुझे धारदार हथियार से रोक करके लाठी डंडा से कह के नापी कराओगे तो हत्या कर दूंगा, ये दरख्वास्त है, इसकी भी FIR नहीं दर्ज है, सबका वीडियो है मेरे पास सरकार। ये देखो, इनके में लिखा था मैंने गैंगस्टर गुंडा वगैरह करें, एक्शन टेकन रिपोर्ट लेकर तब आएंगे वो साथ में। हाँ हैं, अब आए, दोबारा बुलाइए, अब कितना कार्रवाई कितनी की है उन्होंने?
और प्रारंभिक जांच भी चल रही थी कि हमारे दो लोग इंस्पायर भी हो गए 307 में। इसमें जो है पी वाला वो लाएंगे, पी की डिटेल क्या है, पी में क्या किया है, दूसरे नंबर में गैंगस्टर के लिए क्या कार्रवाई की है या गुंडा एक्ट में क्या किया है, ये लेकर आएंगे। ये सर एसडीएम साहब बार बार आदेश करते हैं और कानून को पर लोग 20% में लिखा है कि नक्शा नजरी के अनुसार कब्जा कराया जाए, कानून को वगैरह टीम बना करके। लेकिन सरकार अगर डीएम के यहाँ पत्र चला जाता तो हो सकता है कि डीएम सर के आदेशानुसार महोदय आपके आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता, हमको इनसे निजात मिल जाती। क्या है जमीन का क्या झगड़ा है आपका? जमीन हमारा कब्जा कर रहे हैं, किए हैं। नहीं, आपके कर रहे हैं, सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं? सरकारी भी किए हैं तो चकमार्ग है, अब मेरी बाग कब्जा किए हैं। तो डीएम के लिए लिखा है आपने कोई अभी तक पत्र? एसडीएम के लिए मैंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि नक्शा नजरी के अनुसार कब्जा दखल सुनिश्चित कराएं। इस पे लिख देना लेटर उनको, जिलाधिकारी को। हाँ, एसएसपी को पत्र लिखना, कॉपी टू डीएम। जो जिससे सर वहाँ परिवार में मजबूत हैं उसका कब्जा कर लेते हैं, जैसे बहुत दिन तक ये मेरा कब्जा किया पड़ा था सर, ये पंडा। दोनों बातें लिखना इसमें, गैंगस्टर वगैरह, इतनी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है, बैठ कर लेटर लिखवाइएगा, ठीक। और सर ये 27 तारीख को धारदार हथियार से मारने की कोशिश किया कि नाप कराओगे तो हत्या कर दूंगा, ऐसा जायाफ्ता व्यक्ति है सर, दो लोगों का मर्डर किया, ऐसा जायाफ्ता लिखे भी हैं, गाँव के दो लोगों के साथ मर्डर किया था, इसका वीडियो आप चुके हैं सर। तो वहाँ थाने पर या एसएसपी साहब को नहीं दिए एफआईआर के लिए? दिए हैं सर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जांच में चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता सरकार। इस दरखास्त में लिखे भी हैं थाने पर, हमने दरखास्त दी है। ठीक, एफआईआर के लिए लिखा जी सर, थैंक यू, पढ़ा।